हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उत्तम कुमार केवट, आज अपने सूरदास जी के साथ जो बहुत सुंदर से अंदाज में है, आज आप लोगों के सामने हमारे सूरदास जी नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी की बहुत सुंदर सी प्यारी सी भजन सुनाने जा रहे हैं। पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे सूरदास जी की ढोलक और गायकी को सुनिए। जी सूरदास जी, सुना दीजिए। राम नाम का लूट है तो क्या लूट सके ना छू, अंत काल पसिताएगा, प्राण जाएगा छोड़। बोलो लखन सिया राम के दर्शन दे दो महारानी हो, माई दुर्गे भवानी। क्या बात है, दर्शन दे दो महारानी हो, माई दुर्गे भवानी। दर्शन दे दो महारानी, महा दुर्गे भवानी। ये बात ठीक है, माई की दुआरी में ऊंची नीच मढ़ेली, माई की दुआरी में ऊंची नीच मढ़ेली। माई की दुआरी में ऊंची नीच मढ़ेली, माई की दुआरी ऊंची नीच मढ़ेली। कैसे पा कैसे पारी लगाई माँ दुर्गे भवानी, कैसे के पारी लगाई माँ दुर्गे भवानी। हो माई टेढ़े ते कैसे मैं से ओ बनी हो माई सी, कैसे मैं सो बनी हो माई सी। कैसे दर्शन पाई, कैसे दर्शन पाई हो माँ दुर्गे भवानी। भाई साहब, ये बनता भी नहीं है, फिर बैठने की और हूँ, टाइम भी पास कर जा रहा हूँ। ना कोई कलाकार है, ना कोई उस्ताद है। कैसो मैं तो बनी हो माई मरेली, कैसो मैं तो बनी हो माई मरेली। ऊंचे पर्वती राजधानी माँ दुर्गे भवानी, ऊंचे है पर्वती राजधानी माँ दुर्गे भवानी। दर्शन दे दो महारानी माँ दुर्गे Thank you.
जिन्होंने अभी बहुत सुंदर सी प्यारी सी भजन गाई, माँ दुर्गे भवानी दर्शन हमको दे दो, माँ दुर्गे भवानी। दोस्तों आप हमारे सूरदास जी के साथ लगातार जुड़ते रहिए। हमारे सूरदास जी आज हेडफोन लगा के टोपी पहन के मुझे बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या मुझे अच्छा लग रहा है? पहुंचा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आपको तो मैं भी चाहता हूँ दादाजी। चलिए और आगे पहुँचाओ मुझे सूरदास को, भाई लोग पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा तुम भाई बहने ला कैसे कैसे पारी लगाई माँ दुर्गे भवानी, कैसे पारी लगाई माँ दुर्गे भवानी। कैसे दर्शन पाई, कैसे दर्शन